नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार। कृष्णडोम के घर का ताला तोड़, सामान फेंकवा के किया बाहर, वीडियो लिखित आवेदन दे लगाए निहाय के गुहार। बडीहा प्रखंड मुख्यालय स्थित मिडिल स्कूल के समीप सरकारी भवन में लगभग 20 वर्षों से रह रहे कृष्णडोम के लगभग एक दर्जन परिवार को गुरुवार के दोपहर में घर का ताला तोड़कर सामान को बाहर फेंकवा दिया गया एवं घर में अपना ताला जड़ दिया गया। लिखित आवेदन शिकायत वीडियो सह सीओ एवं थाना प्रभारी को कृष्णडोम के द्वारा देकर न्याय की गुहार लगाई गई है। दिए गए आवेदन में लिखा गया है कि वह बेघर था, जो अपने पूरे परिवार के साथ पंचायत भवन जो खंडर में तब्दील हो गया था, जिसमें वे किसी तरह से अपने पूरे परिवारों के साथ लगभग 20 वर्षों से रहते आ रहे हैं। गुरुवार को लगभग दोपहर 1 बजे जिप्स अर्चना प्रकाश एवं बडीहा पंचायत के मुखिया पति वशिष्ठ पासवान, बडीहा गांव निवासी नरेश यादव के पुत्र अवधेश यादव एवं आंगनबाड़ी सेविका पूनम देवी, बाल गोविंद साहा, शिवनाथ साहा, राकेश विश्वकर्मा एवं नरेश साहा के द्वारा मेरे घर का बलपूर्वक जबरदस्ती ताला तोड़कर सामान को बाहर फेंक दिया गया, ताला बंद कर दिए, जिससे मैं पूरे परिवार के साथ पेड़ के नीचे रहने को विवश हूँ। इसे जांच उपरांत न्याय दिलाने की मांग करते हुए कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। इस घर में कृष्णडोम लगभग 65 वर्ष, उनकी पत्नी कामोदा देवी लगभग 60 वर्ष, दामाद शंकर डोम, बेटी सरिता देवी, नतनी सोनी कुमारी, पूनम कुमारी, अंजलि कुमारी, मीना कुमारी, खुशबू कुमारी, निशु कुमारी सहित अन्य के साथ रह रहे हैं, तथा पीड़ित परिवारों ने वीडियो निधि रजवार से मिलकर सारा अपनी बात को मौखिक रूप से भी बताया। इधर कृष्णडोम की पुत्री सरिता देवी ने बताया कि जिप सदस्य एवं अन्य लोगों के द्वारा गुरुवार को मेरे घर का सामान बाहर फेंकने लगे तो मैं काफी गिड़गिड़ाते हुए मना किए कि मेरी बेटी की शादी है, भीगर मत कीजिए दीदी, पर एक नहीं सुनी। यहां तक कि ट्रैक्टर पर चौकी एवं चारपाई को लाद दिया गया। इसी दौरान कृष्णडोम के द्वारा अंचल निरीक्षक राजकुमार साहू को सूचना दी। त्वरित कार्यवाही करते हुए अंचल निरीक्षक श्री साहू ने घटनास्थल पर पहुंचकर उक्त प्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों से पूछा कि आप किसी भी गरीब को घर में बलपूर्वक ताला तोड़कर सामान को बाहर फेंकने एवं सभी को बाहर निकालकर ताला बंद करने का अधिकार किसने दिया, कानून को अपने हाथ में कैसे लिए। इस पर कोई जवाब नहीं दे सके। इसके बाद सभी लोग वहां से धीरे धीरे खिसकना शुरू कर दिए, परंतु घर में ताला बंद कर चाबी भी वे लोग लेते गए थे। क्या कहा जिप सदस्य ने? इधर इस संबंध में जिप सदस्य अर्चना प्रकाश ने कहा कि उन लोगों को विद्युत सब स्टेशन के पास शिफ्ट कराया जा रहा था। सवाल के जवाब में कि किसके निर्देश पर घर का ताला तोड़ा गया, इस पर उन्होंने कहा कि ताला मैं नहीं तोड़वाई हूं। क्या कहा मुखिया पति ने? इधर इस संबंध में बडीहा पंचायत की मुखिया सरोज देवी के पति सहपारा शिक्षक वशिष्ठ पासवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के बुलाने पर मैं बाद में गया था, मैं ताला तोड़वाने में शामिल नहीं हूं, परंतु जिसने ताला तोड़वाया वह कानून को हाथ में लिया है, जो गलत है। इधर इस संबंध में बीडीओ सह सीओ निधि रजवार ने बताया कि आवेदन मिला है, जाँच के बाद ही आगे की कोई कार्यवाही की जाएगी। धन्यवाद।